फिल्म की शुरुआत 20वीं सदी में होती है, जहां रेनफील्ड नाम का एक लॉयर ट्रांसिल्वेनिया आता है और काउंट ड्रैकुला से मिलता है। दरअसल रेनफील्ड एक लैंड लॉयर है जो ड्रैकुला के पास कुछ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आया है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल होने से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जिससे उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ड्रैकुला उसे कुछ दिन वहां रुकने को कहता है और वक्त के साथ साथ वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो रेनफील्ड को अपने वश में कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। साथ ही वो उसे बाइट करके आधा वैम्पायर भी बना देता है और उसे अपनी कुछ अलग पावर्स भी दे देता है। अलग इसलिए क्योंकि जहां ड्रैकुला की पावर्स खून पीने से आती है, वहीं रेनफील्ड की पावर्स कीड़े खाने से आती थी। समय के साथ साथ वो पूरी तरह से ड्रैकुला का गुलाम हो गया, जहां वो उसके लिए शिकार करता और उसे फीड करवाता। एक बार चर्च के पादरी और कुछ हंटर्स ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैकुला सब पर भारी पड़ता है। फिर पादरी उसे एक हॉली सर्कल में फंसा देते हैं और रेनफील्ड को कहते हैं कि तुमने जो किया इसके कहने पर किया, अब बुराई का रास्ता छोड़ दो और अपने पापों का प्रायश्चित करो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा। पर ड्रैकुला उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे कहता है कि इसकी बात मत सुनो, मुझे मारने के बाद ये तुम्हें भी मार देंगे और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता है। रेनफील्ड उसकी बातों में आ जाता है और घेरे को मिटाकर ड्रैकुला को आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो पादरी को मार देता है, पर एक हंटर खिड़कियों को तोड़ देता है और रोशनी की वजह से ड्रैकुला जलने लगता है, लेकिन रेनफील्ड उसे बचा लेता है और उसे दूसरे शहर ले जाता है। ऐसे ही 90 साल बीत जाते हैं। फिर ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक सपोर्टिंग ग्रुप को देखते हैं, जहां लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहां रेनफील्ड भी था, वो सबकी बातें सुनता पर अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वहां वो बुरे लोगों के बारे में पता करता और ड्रैकुला के लिए उनका शिकार करता। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड मिच के बारे में बताती है कि उसने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ लेकर भाग गया। रेनफील्ड डिसाइड करता है कि वो उसी को ड्रैकुला को पेश करेगा ताकि वो बेकसूर लोगों को ना मारे। उसकी तलाश में वो एक वेयर हाउस में जाता है जहां वो अपने दो दोस्तों के साथ था। दरअसल मिच ने एक माफिया का ड्रग्स चुराया था और वो उसे आपस में बांट रहे थे। रेनफील्ड जैसे ही मिच को पकड़ने जाता है, एक असैसिन जिसे उसी क्राइम फैमिली ने भेजा था वो वहां आता है और मिच और उसके दो दोस्तों को मार देता है। फिर वो रेनफील्ड पर हमला करता है जिससे उसके पेट में चोट लग जाती है। तभी वो कीड़ा खाता है और उसे असैसिन को मार देता है, लेकिन वो जानता है कि इसे टेडी लोबो ने भेजा है जो एक क्राइम लॉर्ड है। टेडी देखता है कि उसका असैसिन मारा गया है, वो बाकी का ड्रग लेकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच रेनफील्ड असैसिन की बॉडी को लेकर ड्रैकुला के पास आता है ताकि वो उसका खून पी सके। जब ड्रैकुला उसका खून टेस्ट करता है तो वो थूक देता है और गुस्सा हो जाता है। वो रेनफील्ड को कहता है कि ये एक बुरा इंसान है और उसे बुरे लोग नहीं चाहिए। ठीक होने के लिए उसे अच्छे लोगों का खून चाहिए। वो उसे जल्द से जल्द अच्छे लोगों को लाने को कहता है। फिर वो अपने खून से उसका जख्म ठीक करता है, क्योंकि ड्रैकुला के खून में हीलिंग पावर्स हैं। फिर रेनफील्ड अच्छे लोगों को लाने के लिए बाहर जाता है। इधर टेडी भाग रहा था, तभी वो एक चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके पास ड्रग्स का बैग है। वो बैरिकेड को तोड़कर भागने लगता है, लेकिन ऑफिसर रेबेका उसे पकड़ लेती है। पर जो कि टेडी एक माफिया फैमिली से आता है और बहुत अमीर है, इसलिए करप्ट पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर रेबेका अपनी बहन केट से मिलती है जो एक FBI एजेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेबेका और केट के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें टेडी ने ही ऑन ड्यूटी मारा था, इसलिए वो दोनों बहनें टेडी और उसकी पूरी फैमिली को सजा दिलवाना चाहती हैं। केट कहती है कि गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लो, ये वक्त हमारा नहीं है, जब हमारा वक्त आएगा तो हम इन्हें जरूर सजा दिलवाएंगे। टेडी की माँ उससे कहती है कि हमने बहुत मेहनत से इस एम्पायर को खड़ा किया है, हमारी पीढ़ियाँ सालों से इस शहर पर राज करते आई है, पर तुम हमारे लिए एक निराशा हो। तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तो इस शहर को क्या संभालोगे, तुम ये जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं। ये सुनकर टेडी को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रेनफील्ड एक कैफे में किसी निर्दोष आदमी को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे ड्रैकुला को दे सके। रेबेका भी मिच के खिलाफ सबूत की तलाश में वहां आती है। रेनफील्ड उसे देख लेता है। रेबेका को मारने के लिए टेडी भी वहां आता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के सामने खुद को साबित करना है। वो कैफे के अंदर आता है और फायरिंग करने लगता है। रेनफील्ड एक टेबल के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वो रेबेका को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बाप को मारा और आज तुम भी मेरी ही हाथों मरोगी। उसे मारने से पहले रेनफील्ड एक कीड़ा खा लेता है जिससे उसकी बॉडी में स्टेमिना की लहर आ जाती है। वो बड़ी आसानी से एक एक करके टेडी के सभी साथियों को मार देता है, लेकिन टेडी वहां से भाग जाता है। रेबेका रेनफील्ड के पास आती है और उसे अपनी और बाकी सब लोगों की जान बचाने का शुक्रिया अदा करती है, जिससे रेनफील्ड को अच्छा लगता है, उसे हल्का महसूस होता है।
फिर वो ड्रैकुला के पास आता है, जहां ड्रैकुला उसे अपना डार्क प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया से अच्छाई को खत्म कर दूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। रेनफील्ड ड्रैकुला का ये प्लान सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो ड्रैकुला को बरसों से जानता है। वो जानता है कि ड्रैकुला जो बोलता है वो करता है। वो उसे किसी भी हाल में रोकना चाहता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी है। इसलिए वो अपने सपोर्ट ग्रुप के पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरा एक बॉस है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ये सुनकर ग्रुप के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारा बॉस पागल लगता है, तुम अपने बॉस के बातों पर ध्यान मत दो और जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ और खुद पर ध्यान दो, खुद को पहचानो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बॉस कमजोर हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके लिए काम करते हो। रेनफील्ड को ये सलाह अच्छी लगती है। वो ड्रैकुला के पास जाना बंद कर देता है। वो खुद के लिए एक घर खरीदता है और एक आम इंसान की तरह रहने लगता है। वो रेबेका से मिलने जाता है, क्योंकि अब ये अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, तुम्हारे जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत है। इधर टेडी की माँ कैफे का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहाँ रेनफील्ड सबको मार रहा था। वो टेडी को कहती है कि इस शख्स को मार डालो जिसने हमसे दुश्मनी मोड़ने की हिम्मत की। फिर वो रेनफील्ड के बारे में पता करते हैं और उसकी तलाश में ड्रैकुला के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। ड्रैकुला टेडी के लोगों को एक एक करके मार देता है और उसे पकड़ लेता है। टेडी कहता है कि हम दोनों को ही बुराई पसंद है, क्यों ना हम एक हो जाएं। फिर वो रेनफील्ड के बारे में बताता है। वो कहता है कि रेनफील्ड इस वक्त अच्छे काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ है, क्यों ना हम एक होकर सब पर राज करें। ड्रैकुला मान जाता है और उसे हाथ मिला लेता है। जबकि रेनफील्ड अपनी जिंदगी में खुश था, तभी वहाँ ड्रैकुला आता है। उसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं बुरे कामों से थक गया हूँ, अब मैं सिर्फ अच्छे काम करूँगा। वैसे भी तुमने मुझे ये पावर्स देकर मुझे धोखा दिया है, ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूँ। ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें गलत फहमी है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा से एक बुरे इंसान थे, क्योंकि तुम हमेशा सबसे बड़ा बनना और बेहिसाब पैसा कमाना चाहते थे। यही कारण था कि तुमने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। वो कहता है कि मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा, तुम्हारी हर प्यारी चीज को खत्म कर दूंगा। तभी वो उसके हाथ के किताब में उस सपोर्ट ग्रुप का नाम देख लेता है और समझ जाता है कि उन्हीं लोगों ने इसे भड़काया है। फिर वो उन्हें खत्म करने के लिए वहां से चला जाता है। रेनफील्ड तुरंत ग्रुप के पास जाता है और उन्हें वहां से भागने को कहता है, पर तब तक ड्रैकुला वहां आ चुका था। वो एक एक करके सभी ग्रुप के लोगों को मार देता है। रेनफील्ड दुखी था, क्योंकि उसकी वजह से कई सारे अच्छे लोग मारे गए। ड्रैकुला कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है। रेबेका को लगता है कि रेनफील्ड एक साइको है और उसी ने सभी को मारा है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेती है। तभी वहां टेडी सीनियर ऑफिसर्स के साथ आता है और उसे रेनफील्ड को देने को कहता है, पर रेबेका उसे नहीं देती, क्योंकि वो टेडी और उसके परिवार को जानती है। सीनियर ऑफिसर्स भी उसे रेनफील्ड को देने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं देती। फिर वो उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वो उसे लेकर वहां से भाग जाती है। पुलिस पूरे शहर में उन्हें ढूंढती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो रेनफील्ड के घर में थी, जहां रेनफील्ड उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वो ड्रैकुला के लिए काम करता है और ड्रैकुला असल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पर रेबेका को ये सब बकवास लगता है। तभी उसकी बहन केट का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उस वेयर हाउस में जहां वह एसेसिन मरा था, वहां एक पेन मिला था। उस पेन पर लगा खून का डीएनए और रेनफील्ड का डीएनए दोनों सेम है, पर उस पेन पर लगा खून सदियों पुरानी है। पता नहीं वो आदमी कितने सालों से जिंदा है, शायद वो अमर है। इधर ड्रैकुला टेडी की माँ से मिलता है और वो एक टीम को उन दोनों को मारने के लिए भेजती है। टेडी के लोग उन्हें मारने के लिए बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जिन्हें रेनफील्ड देख लेता है और कीड़े खाकर सुपर चार्ज हो जाता है और बड़ी आसानी से सभी को मार देता है। रेनफील्ड रेबेका से कहता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली मुझसे बिछड़ गई। ड्रैकुला ने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं उसे हर गलती का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने भी बहुत से गलत काम किए हैं, पर अब मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन ड्रैकुला मुझे सुधरने नहीं दे रहा। तभी टेडी की माँ बेला रेबेका को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने किट को किडनैप कर लिया है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो रेनफील्ड को मेरे पास ले आओ। जब वो दोनों बेला के पास जाते हैं तो वो रेबेका को ड्रैकुला के पास ले जाती है और रेनफील्ड को टेडी रोक लेता है, क्योंकि ड्रैकुला ने अब उसे अपनी पावर्स दी है ताकि वो रेनफील्ड को मार सके। रेनफील्ड कहता है कि तुम ड्रैकुला के बहकावे में मत आओ, वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। पर टेडी उसकी बात नहीं मानता और उस पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन आखिरकार रेनफील्ड कीड़ा खाकर उसे मार देता है।
इधर रेबेका के पास ड्रैकुला आता है और उसे अपना गुलाम बनने को कहता है। वो बताता है कि अगर तुम मेरी गुलाम बन जाओ तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा, जिससे तुम अपने पिता के कातिलों से बदला ले सको। तभी वहाँ रेनफील्ड आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। रेबेका एक प्लान बनाती है और रिमोट का बटन दबाकर खिड़की खोल देती है, जिससे ड्रैकुला जलने लगता है और चमगादड़ बनकर वहाँ से भागकर एक अंधेरे कमरे में जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। अचानक वह रेनफील्ड को पकड़ लेता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर वो रेबेका के पास जाता है और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है, पर रेबेका उसके पैर में गोली मार देती है, जिससे उसका खून ठीक उसके नीचे पड़े रेनफील्ड के ऊपर गिरता है, जिससे वो ठीक हो जाता है क्योंकि ड्रैकुला के खून में हीलिंग पावर्स हैं। ठीक होते ही वो फिर से ड्रैकुला पर हमला करता है और उसका दांत उखाड़ लेता है, पर अगले ही पल उसका दांत वापस आ जाता है। ड्रैकुला उस पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। उसी वक्त रेनफील्ड अपने दोस्त की कही बातें याद करता है कि खुद पर ध्यान दो, खुद पर भरोसा रखो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जिससे उसे हिम्मत मिलती है और वो ड्रैकुला पर पलट वार करता है और उस पर घूसों की बारिश कर देता है। रेबेका वही होली सर्कल बनाती है जिसमें वो ड्रैकुला को फंसा देते हैं और उसे पीट पीट कर मार डालते हैं और उसके खून को एक बोतल में जमा करते हैं। फिर उसके टुकड़ों को कंक्रीट में जमा कर गटर में फेंक देते हैं, जिससे ड्रैकुला फिर कभी जिंदा ना हो सके या फिर उसे ठीक होने में बहुत मुश्किल हो। फिर रेनफील्ड केट को ठीक करता है और रेबेका फाइनली बेला को अरेस्ट करती है। दोनों बहनों ने आखिरकार अपने पिता के कातिल से बदला ले लिया। फिर रेनफील्ड ड्रैकुला के खून से अपने सपोर्ट ग्रुप के दोस्तों को वापस जिंदा करता है और अब वो पूरी तरह आजाद है और एक अच्छा इंसान बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।